अस्सलाम तेरे बच्चों, क्लास सेवन्थ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4 हम कर रहे हैं। कल क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 4 पार्ट किए थे, आज हम पार्ट नंबर 5th करेंगे। 5th पार्ट हमारा 3:1/2 डिवाइड बाई 4, 3:1/2 डिवाइड बाई 4। तो देखिए बेटा, हम क्या करेंगे, 3:1/4 को हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। 3 × 2 + 1 डिवाइड बाई 2, एंड दिस डिवीजन का साइन है डिवाइड बाई 4/1 हम कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 2 = 1 + 4, 3 × 2 = 6 + 1 हो गया 7, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 4/1। तो मैंने आपको बताया था कि जो पहला रेशन नंबर है ये सेम रहेगा, क्योंकि 7/2 ऐसे थे। अब ये डिवीजन जो है, इस डिवीजन के बदले हम क्या करें, साइन चेंज करते हैं तो हो गया मल्टीप्लीकेशन। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रेशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है ये चेंज हो जाता है, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। यहाँ पे है हमारा 4/1, तो ये बन गया 4 1/4। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 7 × 1 = 7, 2 × 4 = 8। तो इसका आंसर हमें बन गया 7/8। तो इस तरह से 6th पार्ट भी हम करेंगे। 6th पार्ट है 4:3/7 डिवाइड बाई 7। तो इसको भी हम इस तरह करेंगे, 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई, 4 × 7 + 3 / 7, एंड दिस डिवाइड बाई 7/1 कर दीजिए। तो 4 × 7 = 28 + 3 = 31 डिवाइड बाई 7। इस डिवीजन के बदले हम मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 1/7। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 31 × 31, 7 × 7 = 49। 31/49 हमारा आंसर आ गया।